हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक सरकारी नौकरी लेके आए हैं जो निकल रही है शिक्षा विभाग से। तो शिक्षा विभाग में 8वीं पास के लिए वैकेंसी आई हुई है जिसमें आपको पोस्ट मिलेगी चपरासी, चौकीदार, कार्यशाला पियोन, माली इत्यादि की पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेगी। तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे आपका और कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको जो है बेसिक जानकारी हिंदी में दिखा देते हैं। तो यहाँ वैकेंसीज आपको शिक्षा निदेशक विभाग से या आप शिक्षा डिपार्टमेंट से बोल सकते हो, ग्रेड 4th के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए करते हैं। यानी कि ये जो वैकेंसीज है 4th ग्रेड की वैकेंसी है, शिक्षा निदेशक के अंतर्गत ये वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। और विज्ञापन संख्या एडवाइजरमेंट जो आपको नंबर बताए गए हैं वो बताए गए हैं यहाँ 02/2020, यानी कि 2020 का नया नोटिफिकेशन जो है आउट हो गया है। और इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी फ्रेंड्स, यहाँ पोस्ट जो आपको मिल रही है इसमें प्रथम देख सकते हो, इसमें आपको चपरासी की पोस्ट मिलेगी, स्कूल में आपको चपरासी की पोस्ट मिलेगी, इसके साथ आपको चौकीदार की पोस्ट मिलेगी, इसके साथ कार्यशाला पियोन यानी कि पियोन की वैकेंसी आपको मिलेगी और माली की वैकेंसी आपको मिलेगी। अभी आपने देखा होगा कि आपके नज़दीक जो स्कूल्स हैं उनमें इन प्रकार की पोस्ट अभी भी खाली हैं, लेकिन सरकार इन पदों को जल्द भरने वाली है। तो यहाँ बड़ी वैकेंसी निकाल दी गई है। आपने देखा होगा कि सरकारी जो स्कूल्स हैं उनमें चपरासी की भी आवश्यकता होती है, चौकीदार की भी आवश्यकता होती है, कार्यशाला पियोन की भी आवश्यकता होती है और माली की भी आवश्यकता होती है। तो ये निम्न प्रकार की वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। यदि आप 8वीं पास है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसके साथ यहाँ वेतनमान की बात करें तो 12,000 रुपये से लेके 52,000 रुपये प्रतिमा आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। आप अपने नज़दीक जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें अपने वहाँ 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपको जो है कितना पेमेंट दिया जाता है, तो वो आपको बता देंगे। और ये जो फाइनली उनका पेमेंट जो है वो अभी चल रहा है उनका 25,000 रुपये, 25,500 रुपये उनका अभी पेमेंट चल रहा है। तो आपका प्रारंभिक वेतन जो रहेगा इसमें 15,000 रुपये रहेगा। आप जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया में ज्वाइनिंग करोगे तो आपका जो वेतन रहेगा 15,000 रहेगा, या 12,000 से आपका इसमें वेतन स्टार्ट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ शैक्षणिक योग्यता रखी गई है 8वीं पास। यदि आप 8th पास हैं तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके, ठीक है फ्रेंड्स। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 38 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और कैसे आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। चयन किस प्रकार होगा, चयन आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट में यदि आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा शिक्षा निदेशक की 4th ग्रेड की पोस्ट पे। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कल की डेट में जारी हो गया था। और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम बात बताएंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि जो वैकेंसीज है अगस्त 2020 तक कंप्लीट करवाई जाएगी। जो पहला सत्र जो चालू होगा इस सत्र तक आपको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अभी 3 महीने इस भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस में लगेंगे, वो आप देख सकते हो अगस्त 2020 तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी। और कंप्लीट किस प्रकार करवाई जाएगी, क्योंकि अभी 1 महीना फॉर्म चलेगा, 1 महीने फॉर्म चलेगा और इसके बाद में 1 महीने बाद आपका कॉल लेटर जारी होगा। तो 2 महीने और 1 महीने बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। तो टोटल मिला के आपको यहाँ जो है 3-4 महीने इस भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिलेंगे और फाइनली आपको इसमें जून जुलाई तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। जुलाई तक आपको इस भर्ती प्रक्रिया में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो बात करेंगे यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पे स्केल, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों आपको यहाँ बताए गए हैं। तो ध्यान से देख लेना इस चीज़ को। प्रथम 4th ग्रेड की वैकेंसी में आपको पोस्ट कौन कौन सी मिल रही है, यहाँ देख सकते हो बेवर, पियोन, चौकीदार, वर्कशॉप और जुगलाली और माली इट्स इत्यादि पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है फ्रेंड्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 8वीं पास। वेतन देख सकते हो 12,000 से लेके 52,000, ग्रेड पे की बात करें तो 3900 रुपये आपको इस भर्ती प्रक्रिया में ग्रेड पे मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपकी रहेगी 18 से लेके 38 वर्ष है। SC ST OBC और EWS को यहाँ
छूट मिल रही है फ्रेंड्स, यहाँ उनको छूट दी गई है। और इसी के साथ हम बात करेंगे इसमें रिटर्न टेस्ट द्वारा इसमें आपका सिलेक्शन बताया गया है कि सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सिलेक्शन भी आपका रिटर्न एग्जाम के द्वारा होगा। अभी हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट कब प्रकाशित हुआ था, वो डिटेल्स हम आप लोगों को दिखा देते हैं कब तक ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये देख सकते हो इसका विज्ञापन संख्या आप लोगों को यहाँ बताया गया है। और इसी के साथ हम बात कर रहे हैं फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तो फॉर्म जो है आपका 10 फरवरी से लेके 3 मार्च 2020 तक फॉर्म चलेगा। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है www.dte.assam.government.in पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो रहेगी आपकी असम राज्य, असम राज्य में आपको जॉब मिलेगा। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूर इसका फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।